चौंतड़ा के वन विश्राम गृह में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अधिवक्ता जीवन ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आशा वर्कर्स और पत्रकारों को सम्मानित किया। इस दौरान जिला मंडी कांग्रेस मुख्य सचिव अविनाश धवन भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव जीवन ठाकुर ने कहा कि आशा वर्कर्स ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत कार्य किया है। इन्होंने सबसे कम वेतन लिया, फिर भी अपना कार्य पूरी ईमानदारी से किया। एक ओर जहां कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर रिश्तेदार तक उनके पास नहीं आए, वहीं आशा वर्कर्स ने जाकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को दवाइयां दी। इस महामारी के दौरान आशा वर्कर्स ने एक साहसिक भूमिका निभाई है। इस मौके पर उन्होंने आशा वर्कर्स और पत्रकारों को मास्क, सैनिटाइजर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस देश में, इस प्रदेश में जो विषम परिस्थितियाँ, एक दहशत का माहौल जो कोरोना की वजह से था, इस दहशत के माहौल में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर जिन्होंने काम किया है हमारी संस्था ने, और मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी, जो आशा वर्कर्स हैं सबसे कम वेतन मान लेकर के इन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा की है। जबकि पड़ोसी और रिश्तेदार भी उनके कोरोना पॉजिटिव परिवार के घर नहीं जाता था, आशा वर्कर ने बिना अपनी जान की परवाह किए, बच्चों की परवाह किए, अपने बुजुर्गों की परवाह किए बगैर जो है इनकी जो कोरोना पीड़ित परिवार के घर दवाइयां पहुंचाई, उनकी मदद की, उनका हौसला बढ़ाया। ये एक सराहनीय कार्य है, साहसिक कार्य है। इसलिए हमने आशा वर्कर के साथ साथ जो दूसरे डॉक्टर, नर्सिस, लैब टेक्नीशियन, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं और पत्रकार जो हैं, हम इन सबको जो फ्रंट लाइन वॉरियर जो है, इनको सम्मानित करने जा रहे हैं। आज हमने लड़भड़ोल के बाद जो है यहाँ आशा वर्कर चौंतड़ा को जो है सम्मानित किया, और सरकार से भी ये हमने डिमांड की है कि इनको जो मानदेय इनका रुका है, जो मानदेय बढ़ा है, उसको जो है दिया जाए, और इनको जो है स्थायी रूप से जो है इनके इनकी कोई पॉलिसी बनाई जाए और इनको रेगुलर किया जाए, ये डिमांड हमारी सरकार से रही। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद।